गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी। अब आप तक देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। लोगों को स्वास्थ्य की सही ढंग से सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार तमाम प्रयास करती है। लेकिन आज हम आपको महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। यहाँ तो लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, लेकिन यहाँ के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा आपको, अंदर सभी डॉक्टर गायब हैं, हर कमरों पर ताला लटका रहता है। हम सवाल कर रहे हैं अपने क्षेत्र के विधायक से, हम सवाल कर रहे हैं अपने क्षेत्र के सांसद से कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इस हालत को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया। कभी आवाज उठाई? चुनाव में तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन यह हकीकत देख आप खुद यही बात कहेंगे कि यहाँ बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए है। दिखाते हैं आपको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत। महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार में लाखों की लागत से बना यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना तो लोगों को लगा कि अब हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, लेकिन यह एक सपना साबित हुआ। सिर्फ खाना पूर्ति बंद कर रह गया। यहाँ के डॉक्टर कोई छुट्टी पर रहते हैं तो कोई गायब रहते हैं, यानी हम पूरी रात चलते रहें और सुबह देखें वहीं खड़े हैं। 30 बेड के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तमाम सुविधाएं मुहैया हैं, लेकिन यह सुविधाएं सिर्फ फाइलों में चल रही हैं। जब हम यहां पहुंचे तो मुख्य दरवाजा तो खुला मिला, लेकिन अंदर सभी कमरों के दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। सिर्फ होम्योपैथ के डॉक्टर अपने कमरे में मरीजों को देखते मिले। 2 मंजिल वाले इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जाने पर जैसे लगा हम किसी भूत वाली हवेली में पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह सुनसान, अंदर एक आदमी भी नहीं मिला। दूसरी मंजिल पर 30 बेड पड़े हुए थे। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनका मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ सिसवा में जो CSC है वहाँ पे बंद ताले के अलावा कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सेवा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएँ चल रही हैं किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब इस पर देखना चाहिए कि ये डॉक्टर जो छुट्टी पर जा रहे हैं वो आखिर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत ही बदतर दिन प्रतिदिन हालत होती जा रही है सिसवा में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी का दांत बना हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सिसवा बाजार में इतना लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न मौके पर डॉक्टर है, इससे अच्छा है उसको तोड़वा देना चाहिए। चुनाव के दौरान क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा करने वाले जनप्रतिनिधि भी शायद अपने वादे को भूल चुके हैं। भूले भी क्यों नहीं, वादों के सहारे जो चुनाव जीत कर आए हैं, वैसे कुछ महीनों बाद चुनाव आने वाला भी है, फिर झूठे वादे होंगे कि हम इस भूत वाली हवेली को आबाद कर देंगे, यहाँ डॉक्टर बैठेंगे, सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है यहाँ के लोग ही जानते हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ के लोगों को कोई फायदा मिले या ना मिले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूर फायदा मिल रहा है।